नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीपी शर्मा एजुकेशन ग्रुप में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, नवीनतम समय सीमा की। आज हर एग्जाम के अंदर नवीनतम समय सीमा की करंट अफेयर्स से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हाल ही में हुआ लोकसभा चुनाव हमारे करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक रहेगा लोकसभा चुनाव 2019। आज का कौन सा टॉपिक रहेगा? लोकसभा चुनाव 2019। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव से सर्वाधिक महत्व तो बनता है। हाल ही में जितने भी एग्जाम हो गए तो क्वेश्चन उठने का चांस बनता ही बनता है इस लोकसभा चुनाव से। लोकसभा चुनाव की बात करें, हाल ही में कितने में लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुए? 70वें लोकसभा चुनाव। बात कर ले 16वें लोकसभा चुनाव, 16वां जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? 2014 में। वर्तमान 2019 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ है? 17वां लोकसभा चुनाव। 17वें लोकसभा चुनाव का जो प्रारंभ हुआ था कितने अप्रैल से? 11 अप्रैल से। 17वां लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होकर कितने मई को पूर्ण हुआ? 19 मई को पूर्ण हुआ। कब पूर्ण हुआ? 19 मई को। यह चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई को पूर्ण हुआ। कुल कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। और इसका जो परिणाम सुनाया गया, इसका जो रिजल्ट आया, परिणाम आया कितने मई को? 23 मई को। कितने मई को आया? 23 मई को इसका परिणाम सुनाया गया इस लोकसभा चुनाव 2019 को। और बहुमत दल के नेता बन गए पीएम। दोबारा रिपीट करेंगे, लोकसभा चुनाव 2019, हाल ही में कितने लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुए हैं? 17वें लोकसभा चुनाव। और 16वें लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 2014। ये लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक कितने चरणों में पूर्ण हुए? 7 चरणों में। और इसका रिजल्ट कितने मई को आया? 23 मई को। इस चुनाव की बात करें, ये 7 चरण कब कब हुए थे? 11 अप्रैल से शुरू हुआ तो पहला चरण कितने अप्रैल को होगा? 11 अप्रैल को। 11 के बाद में दूसरा जो चरण हुआ कितने अप्रैल को? 18 अप्रैल को। 18 के बाद में तीसरा आपका चरण कितने अप्रैल को हुआ? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल के बाद ये जो चुनाव हुआ, अपनी जो नेक्स्ट जो चौथा जो चरण हुआ वो कब हुआ? 29 अप्रैल को हुआ। 29 अप्रैल के बाद नेक्स्ट कितने मई? 6 मई को। कितने? 6 मई को। कौन सा चरण आ गया? पांचवा चरण। छठा चरण 12 मई को। छठा चरण कितने मई को? 12 मई को। और लास्ट और अंतिम चरण कब पूरा हुआ? 19 मई को। कब पूरा हुआ? 19 मई को। 7 चरणों में कंप्लीट हुआ अपना लोकसभा चुनाव 7 चरणों में 2019। 17वां लोकसभा चुनाव। सबसे ज्यादा प्रश्न उठने की संभावना इस लोकसभा चुनाव 2019 से बन रही है। पहला चरण 11 अप्रैल को, 11 के बाद में 11 और 7 कितने होते हैं? 18। 11 और 7 कितने होते हैं? 18। 18 अप्रैल। 18 के बाद में कितने अप्रैल है? 23 अप्रैल। कितने अप्रैल है? 23 अप्रैल। और 23 अप्रैल के बाद में कितने अप्रैल? 29। याद रख लेना, नीचे वाली कड़ी याद हो जाएगी आपको, कोई दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 23 तक याद कर लो तो 23 में कितने जोड़े 29 होते हैं? 6 जोड़ने पे होते हैं। 29 में कितने जोड़ने पर 6 होते हैं? 7 जोड़ने पर। 7 के बाद में वापस कितना जोड़ा? 6 जोड़ दिया। 6 कितना होता है? 12। 12 के बाद में वापस कितने जोड़ दो? 7। स्टार्टिंग में भी कितना जोड़ा गया था? 7। 11 में कितना जोड़ा गया था? 7 जोड़ा गया था। 11 में 7 जोड़ने पर कितना होता है? 18। बस बीच वाली कड़ी के अंदर 5 जुड़ता है। 7 5 6 7 6 7 ये अपना क्रम रहेगा। 11 के बाद में 18 अप्रैल, 18 के बाद में कितने अप्रैल? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल के बाद में 29 अप्रैल, 29 अप्रैल के बाद में अपना कौन सा रहेगा? 6 मई। 6 मई के बाद में 12 मई और 19 मई। ये अपने लोकसभा चुनाव जो 2019 है 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूर्ण हुआ अपना लोकसभा चुनाव 2019। 17वां लोकसभा चुनाव परिणाम 23 मई को सुनाया गया। इस लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। अलग अलग तरीकों की बात करें, लोकसभा चुनाव 2019 में भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत को नियुक्त किया गया। भारत की पहली किसे?
ट्रांसजेंडर कौन से राजदूत, चुनाव राजदूत को नियुक्त किया गया है। ये राजदूत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, भारत की तरफदारी करने वाला जो व्यक्ति होता वो कौन होता है, राजदूत कहलाता है। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर जो राजदूत नियुक्त किया गया, इसे किसे किया गया है, गौरी सावंत को। भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, गौरी सावंत को। यह चुनाव का प्रचार का तरीका, नंबर एक ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत जो बताए अपने समुदाय में भी, अपने समुदायों को भी जागृत करें भाई वोट देना जरूरी होता है। नंबर दो, चुनाव के प्रचार के लिए भारत का एक ऐसा शहर जहां पर वोटर पार्क बनाया गया, कौन सा पार्क है, वोटर पार्क बनाया गया मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। और ये वोटर पार्क जो आपका बना है गुरुग्राम में, कहां पर बना है, गुरुग्राम। और ये गुरुग्राम पड़ता आपका हरियाणा में, कभी इसका नाम गुड़गांव होता था और आज इसका नाम गुरुग्राम पड़ गया है। शहर जो बात करते हैं, भारत का एक वाटर पार्क बनाया गया 2019 में गुरुग्राम हरियाणा में। नंबर तीन, चुनाव में प्रचार के लिए डिजिटल तरीके से, किस तरीके से, डिजिटल तरीके से चुनाव में प्रचार के लिए, डिजिटल चुनाव प्रचार, डिजिटल चुनाव में प्रचार के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी आई हेल्प। कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, आई हेल्प। और इस एप्लीकेशन का जो लॉन्च हुआ था भारत के किस राज्य में, असम राज्य में, भारत के किस राज्य में, असम राज्य में, डिजिटल चुनाव के लिए प्रचार के लिए भारत में आई हेल्प नामक एक एप्लीकेशन लागू की गई थी भारत के असम राज्य में। नंबर चार, दिव्यांगजनों के लिए, किसके लिए, दिव्यांगजन, दिव्यांगजन जो स्पेशल कैटेगरी के होते हैं, दिव्यांगजनों के लिए मतदाता में मतदान में आसानी के लिए, दिव्यांगजनों के लिए किस में आसानी के लिए, मतदान में आसानी के लिए, मतदान में आसानी के लिए क्या किया गया, एक एंजोरी पहल की शुरुआत की गई है। किस पहल की शुरुआत की गई है, एंजोरी पहल की शुरुआत की गई है। और ये एंजोरी पहल की शुरुआत भी आपके किस राज्य के अंदर है, ये भी आपके असम राज्य के अंदर, किस राज्य में, असम राज्य में। रिपीट कीजिएगा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, गौरी सावंत को। और किस राज्य से बिलोंग करती है ये, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के 12 चुनाव राजदूतों में से एक अपनी गौरी सावंत महाराष्ट्र से। और हाल ही में वोटर पार्क का निर्माण किया गया कहां, गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में। और डिजिटल चुनाव के प्रचार के लिए एक आई हेल्प नामक योजना शुरू की गई। और ये आई हेल्प नामक योजना किस शहर में, किस राज्य के अंदर, असम में शुरुआत की गई। और दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल, दिव्यांगजनों के लिए जो मतदान में आसानी के लिए एक एंजोरी पहल की शुरुआत हुई है, वो भी आपके असम राज्य के अंदर। दिव्यांगजनों की असम, असम के किस व्यक्ति द्वारा, असम का सीईओ है जिनका नाम है मुकेश चंद्र साहू। असम के सीईओ कौन है, प्रचार के लिए और भी बहुत से कार्य किए गए। अन्य कार्यों की बात करें तो मतदाताओं के रियल टाइम उपलब्धता जानने के लिए, किनकी रियल टाइम उपलब्धता, मतदाताओं की रियल टाइम उपलब्धता, मतदाताओं की रियल टाइम उपलब्धता जानने के लिए एक एप्लीकेशन लागू की गई थी। और वो एप्लीकेशन कौन सी थी, वोटर टर्न आउट, वोटर टर्न आउट एक एप्लीकेशन लागू की गई मतदाताओं की रियल टाइम उपलब्धता जानने के लिए। और भारत में इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2019 17वें लोकसभा चुनाव के अंदर एक थीम लागू की गई थी, और वो थीम कौन सी थी, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। बोले तो कोई भी मतदाता वोटर जो है, वोटर जो है पीछे ना छूटे, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे। इसलिए इस चुनाव, लोकसभा चुनाव 2019 की जो थीम थी नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे, ये अपना लोकसभा चुनाव 2019 की जो है थीम है। चुनाव देते हो तो चुनाव में किस मशीन का उपयोग होता है, ईवीएम मशीन का, किस मशीन का उपयोग होता है, ईवीएम मशीन का। और इस ईवीएम का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, ईवीएम का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। और इस ईवीएम का सबसे पहला जो उपयोग किया गया था भारत के किस राज्य ने किया गया था, ईवीएम का
प्रथम प्रयोग वही राज्य जो भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन के अंदर आगे है, वही राज्य जिसका एक जिला इडुक्की जिले को पूर्णतः वाईफाई सबसे पहले घोषित किया गया था और भारत का जिसे मसालों की नगरी भी कहा जाता, कौन सा राज्य? केरल। भारत के अंदर सबसे पहले ईवीएम का जो प्रयोग किया गया था वो किस राज्य में किया गया था? केरल में। लेकिन संपूर्ण राज्य में, लेकिन संपूर्ण राज्य में ईवीएम से चुनाव करवाने वाला, लेकिन संपूर्ण राज्य में किससे चुनाव करवाने वाला? ईवीएम से चुनाव करवाने वाला राज्य है। तो याद रखना, संपूर्ण राज्य में ईवीएम, कोई छोटा सा ही राज्य होगा, कोई छोटा सा ही राज्य होगा जिसने अचानक ही पूरे राज्य के अंदर ईवीएम से चुनाव करवा दिए। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और भारत की जलीय सीमा पर भी सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। संपूर्ण राज्य में ईवीएम से चुनाव करवाने वाला जो राज्य है अपना, कौन सा? गोवा राज्य है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन पहला उपयोग केरल ने किया था, लेकिन संपूर्ण राज्य में ईवीएम का प्रयोग करने वाला जो अपना, कौन सा था? गोवा। मतदाताओं की रियल टाइम उपलब्धता जानने के लिए जो एप्लीकेशन थी वोटर टर्नआउट, वोटर टर्नआउट के अलावा इस मतदाता लोकसभा चुनाव 2019 की जो थीम कौन सी है? नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन प्रथम ईवीएम का प्रयोग केरल में, लेकिन संपूर्ण राज्य से ईवीएम, संपूर्ण राज्य में ईवीएम से चुनाव करवाने वाला कौन सा था? अपना गोवा राज्य ने संपूर्ण राज्य में। लोकसभा चुनाव 2019, लोकसभा चुनाव 2019 कौन से लोकसभा चुनाव है? 70वें लोकसभा चुनाव। भारत के अंदर ये जो लोकसभा चुनाव करवाता कौन है? निर्वाचन आयोग। भारत के अंदर लोकसभा चुनाव करवाता कौन है? निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग के अंदर कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। निर्वाचन आयोग के अंदर कितने सदस्य होते हैं? 3। एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अन्य की बात करें तो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त। भारत में चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3। एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त। आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ध्यान रख लेना, या तो होगा इसका कार्यकाल कितने वर्ष? 6 वर्ष। या इसका कार्यकाल होगा कितने वर्ष की आयु तक? 65 वर्ष की आयु तक। कितने वर्ष की आयु तक? 65 वर्ष की आयु तक होगा इसका कार्यकाल। पूछ लिया जाए अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनका कार्यकाल क्या रहता है, अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनका कार्यकाल क्या होता है? तो इनका कार्यकाल याद रख लेना 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। दोबारा रिपीट कीजिएगा, भारत के अंदर चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक और अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान भारत के कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। साथ साथ में रिपीट करते रहो, याद हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? सुनील अरोड़ा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए अन्य निर्वाचन आयुक्त, इसके अलावा पूछ लिया जाए अन्य कौन है? निर्वाचन आयुक्त। अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो एक का नाम है सुशील चंद्र। अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो एक अपना कौन सा है? सुशील चंद्र। और दूसरा अपना कौन सा रहेगा? अशोक लवासा। दूसरा कौन सा? अशोक लवासा। भारत के अंदर 3 जो निर्वाचन आयोग के जो 3 सदस्य है, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, अन्य सुशील चंद्र तथा अशोक लवासा। सुशील चंद्र तथा अशोक लवासा कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव का पूरी की पूरी डिटेल लेने वाले हैं हम। अभी अपनों ने जाना
लोकसभा का जो चुनाव करवाता कौन है भारत में? निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग? निर्वाचन आयोग। तो पहली पहली बात यही पूछ लेते हैं, इस निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। और इस 1950 की इस डेट को, इस तारीख को याद रखते हुए आज मतदाताओं के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया। कौन सा नंबर है? टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 2019 लोकसभा चुनाव 2019 में कौन से टोल फ्री नंबर लागू किए गए, तो वो भी अपने कौन से? 1950। क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950, प्रारंभ में इसके अंदर सदस्य एक सदस्य हुआ करता था और आज वर्तमान में 3 सदस्य है, एक तो मुख्य और 3 अन्य, और ये जो टोल फ्री नंबर है 1950। निर्वाचन आयोग का गठन पूछ ले तो 25 जनवरी 1950, लेकिन पहली बार लोकसभा चुनाव, कौन से लोकसभा चुनाव? प्रथम लोकसभा चुनाव। पहली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे कब हुए थे? 1951 और 52। पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे, पहली बार कब हुए थे? 1951 और 52। लेकिन पहली लोकसभा का गठन, लेकिन पहली लोकसभा का गठन कब किया गया? 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया, पहली लोकसभा का गठन किया गया 17 अप्रैल 1952 में। चुनाव करवाता है कौन सा आयोग? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 की तारीख को याद रख लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है अपना? टोल फ्री नंबर 1950। पहली बार टोल फ्री नंबर लागू किया गया वही 17वीं में, इससे पहले कोई अपना टोल फ्री हेल्पलाइन जो नंबर था कोई नहीं था हेल्पलाइन नंबर मतदाताओं के लिए। प्रथम लोकसभा चुनाव 1951 और 52, और पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952, जिसके अंदर कांग्रेस को बहुमत मिला था पहली लोकसभा के अंदर। ये अपनों ने जान लिया भी निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, लोकसभा गठन कब हुआ, या इसके अलावा जो भी अपनों ने जाना। अभी क्या है, लोकसभा चुनाव 2019 के साथ, लोकसभा चुनाव 2019 के साथ कौन से लोकसभा चुनाव है? 17वें लोकसभा चुनाव 2019 के साथ भारत के 4 ऐसे राज्य, भारत के 4 ऐसे राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव भी करवाए गए, जिनमें कौन से चुनाव? विधानसभा चुनाव भी पूर्ण करवाए गए। भारत के 4 राज्य ऐसे जिसमें लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हुए, और वो राज्य कौन से हैं? याद हो जाएगा, एक लड़का जिसका नाम क्या है? अरुण। लड़का जिसका नाम क्या है? अरुण। अरुण को क्या मिल गए? कुछ सिक्के। अरुण को क्या मिल गए? कुछ सिक्के। अरुण को क्या मिल गए? सिक्के। सिक्के मिलते अरुण लेके आया कौन सी गाड़ी? ओडी, बड़ी वाली लंबी वाली। कौन सी गाड़ी लेके आया? ओडी। और ओडी के नशे में क्या हो गया? अंधा। ओडी के नशे में क्या हो गया? अंधा हो गया। कौन हो गया? अरुण। भारत के 4 राज्य ऐसे जिनमें लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी पूर्ण करवाए गए। अरुण से आपका पहला राज्य कौन सा बनता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुण से कौन सा राज्य बनता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुण को क्या मिल गए थे? सिक्के। और सिक्के से क्या बन गया? सिक्किम। सिक्के से क्या बन गया? सिक्किम राज्य। नंबर 3, सिक्के मिलते अरुण क्या लेके आया? गाड़ी। कौन सी? ओडी। ओडी की बात करें तो कौन सा राज्य है? ओडिशा। और ओडिशा के बाद में नंबर 4 आंध्र प्रदेश। ओडिशा के बाद में नंबर 4 कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश राज्य। भारत के 4 ऐसे राज्य जिनके अंदर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी करवाए गए, अपने 17वें लोकसभा चुनाव के साथ कौन से लोकसभा चुनाव, सॉरी विधानसभा चुनाव कंप्लीट करवाए गए, ये अपना बात करते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 कितने राज्यों में विधानसभा हुई? 4 में। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा कौन सा है? ओडिशा। चौथा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो इसमें अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा महिलाएं चुनाव जीतकर आई। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा महिलाएं चुनाव जीतकर आई, सबसे ज्यादा महिला सांसद आई, और ये संख्या कितनी है? 78 महिलाएं चुनाव जीतकर आई। 78 महिलाओं ने
लोकसभा चुनाव जीता या सांसद बनी। इन 78 महिलाओं में नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं। कैबिनेट में कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं। कैबिनेट मंत्री को कितनी, कैबिनेट मंत्री का पद कितनी महिलाओं ने हासिल किया है? 3 महिलाओं को कैबिनेट मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। 3 महिलाएं, 3 महिलाओं में हरसिमरत कौर बादल, स्मृति ईरानी, उसके अलावा अपनी देश की जो महिला वित्त मंत्री, देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री, तीनों महिलाओं की बात करते हैं। नंबर 1 कौन सी? हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर, पूरा नाम हरसिमरत कौर बादल। नंबर 2 स्मृति ईरानी। नंबर 2 कौन सी है? स्मृति ईरानी। महिला एवं बाल विकास, इनका काम है खाद्य प्रसंस्करण। और तीसरी जो मंत्री है निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण को क्या बनाया गया? देश की पहली महिला वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री। कुल कितनी महिलाएं चुनाव जीत कर आई? 78। कैबिनेट में कितनी महिलाओं को नियुक्त किया गया है? 3 महिलाओं को। तीनों महिलाएं हरसिमरत कौर बादल, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण। अगर इन कैबिनेट मंत्रियों में अगर आपको कोई दिक्कत है तो अपने कैबिनेट मंत्री जो भी है, मंत्रिपरिषद मोदी जी ने जो लागू की गई है, कोई मोदी जी के जो नए कैबिनेट में मंत्री बने नियुक्त किया गया, उनकी भी पूरी की पूरी एक वीडियो पहले जारी कर दी गई है। मोदी जी का जो कैबिनेट है पूरा ट्रिक के साथ, एक बेस्ट ट्रिक जिसमें आपको याद हो जाएगा फटाफट, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी उसके अंदर, आपको कोई सोचने की बात ही नहीं है। इतना हुआ। वोट डालते हो, वोट डालते समय एक एमिट शाही का उपयोग होता है आपकी उंगली पे। कौन से शाही? एमिट शाही। इस एमिट शाही को क्या कहते हैं? और सिल्वर नाइट्रेट। एमिट शाही के अंदर किसका प्रयोग होता है या इसे क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है आपकी एमिट शाही के अंदर। लोकसभा चुनाव 2019, लोकसभा चुनाव 2019 मतदाताओं की, आपने भारत के अंदर निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव किया करवाया जाता है। और भारत के अंदर जो निर्वाचन पद्धति है, भारत के अंदर कौन सी पद्धति निर्वाचन की पद्धति है, ये किस देश से ली गई है? तो क्या बताओगे? ब्रिटेन से। भारत में निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से भारत में निर्वाचन की पद्धति ली गई है। लोकसभा चुनाव 2019 के इतने सारे अपनों ने तथ्य कर लिए। अब मेन बात रहती है लोकसभा चुनाव के अंदर सीटों से संबंधित, लोकसभा चुनाव के अंदर सीटों से संबंधित अधिकतम कितनी हो सकती है या वर्तमान कितनी है, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। लोकसभा की बात करें तो अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 552। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 552। 552 तो ये क्या है? अधिकतम हो सकती है। लेकिन लोकसभा में वर्तमान, लोकसभा में वर्तमान कितनी सीटें हैं? 545। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। लेकिन वर्तमान कितनी है? 545। अधिकतम सीटों को अपने दो भागों में डिवाइड करते, कितने भागों में? दो भागों में। एक तो जो व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़कर आता है उसे क्या कहते हैं? निर्वाचित। उसे क्या कहते हैं? निर्वाचित, ठीक है। एक जो राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? मनोनीत। वो क्या कहलाते हैं? मनोनीत। लोकसभा में अधिकतम 552 होते हैं लेकिन मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? दो। और ये दो मनोनीत करता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। ये मनोनीत करता कौन है? भारत का राष्ट्रपति द्वारा ये सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत होते दो है और ये दो होते कौन है? एंग्लो इंडियन। ये दो होते कौन है? एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। एंग्लो इंडियंस को क्या बोलते हैं? आंग्ल भारतीय। विदेशी पुरुष भारतीय महिला या भारतीय पुरुष विदेशी महिला की जो संतान होती है उसे क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। स्पेशली भारत और ब्रिटेन से संबंधित ये एंग्लो इंडियन का सिस्टम चालू किया गया था। निर्वाचित, कुल निर्वाचित 552 में से दो मनोनीत गई तो निर्वाचित कितने बचे? 550। निर्वाचित कितने बचे? 550। 550 को भी कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। एक तो अपने कहां से निर्वाचित होंगे? राज्यों से। और दूसरे कहां से होंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से। कहां से होंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से। एक तो राज्यों से निर्वाचित होंगे, दूसरे कहां से निर्वाचित होंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्यों से निर्वाचित कितने होंगे? 530 अधिकतम।
केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने हो सकते हैं? 20। केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने निर्वाचित हो सकते हैं? 20 सदस्य। अधिकतम 552 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने होते हैं? 2 एंग्लो इंडियन। कुल निर्वाचित 550। केंद्र शासित प्रदेशों से कुल निर्वाचित अधिकतम कितने? 20। राज्यों से निर्वाचित 523। ये तो अधिकतम सीटें लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर अधिकतम सीटें। अब बात करते हैं लोकसभा में वर्तमान कितनी सीटें हैं, 545। सेम उसी क्रम के अंदर दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तरफ तो कौन से सदस्य आ जाएंगे? मनोनीत। और दूसरी तरफ कौन से सदस्य आ जाएंगे? निर्वाचित। एक तरफ मनोनीत, दूसरी तरफ निर्वाचित। 545 में से मनोनीत कौन होंगे? 2। और ये 2 कौन होंगे? एंग्लो इंडियंस। 2 कौन होंगे? एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय। 545 में से 2 गए, कितने बचे? 543। 543 को अपने कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। केंद्र शासित प्रदेशों से, एक तरफ कौन से प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा दूसरी तरफ कहां से निर्वाचित? राज्यों से निर्वाचित। केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने हो सकते थे? 20। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 13। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 13। 13 निर्वाचित सदस्यों में से सर्वाधिक कहां से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से कितने सदस्य हैं? 7। और बाकी 6 केंद्र शासित प्रदेशों से एक एक सीटें हैं। 7 और 6 कितने होते हैं? 13। सभी 6 केंद्र शासित प्रदेशों में एक, अकेले दिल्ली में कितने हैं? 7। वर्तमान में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और राज्यों से कुल निर्वाचित कितने हैं? 530। राज्यों से कुल निर्वाचित कितने हैं? 530। पूछ लिया जाए लोकसभा चुनाव में वर्तमान में कितनी सीटों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो आप क्या बताओगे? 543। जो चुनाव लड़ेगा वो निर्वाचित कहलाएगा, जो नहीं लड़ेगा डायरेक्टली राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। तो ये कुल सीटें पूछ रहे तो 545, लेकिन चुनाव कितने पे लड़ा जाता है? 543। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आ रहे हैं वर्तमान में? 13। और सर्वाधिक कहां से आ रहे हैं? दिल्ली से कितने? 7। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों से एक एक। लोकसभा में अगर पूछ ले राज्यों से सर्वाधिक सीटें, राज्यों से सर्वाधिक सीटें तो किस राज्य में, आप क्या बताओगे? यूपी से। लोकसभा पूछ ले, राज्यसभा पूछ ले, विधानसभा पूछ ले, कोई से भी सभा पूछ ले, तो अधिकतम कहां से होंगे? यूपी से। यूपी से लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 80। यूपी से कितने हैं? 80। यूपी के बाद में महाराष्ट्र का नंबर आता है। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान से बिलोंग करने वालों, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से कितने सदस्य हैं? 25 सदस्य। राजस्थान से कितने सदस्य हैं? 25 सदस्य। और राज्यसभा में लोकसभा से कितने सदस्य जाते हैं? 31। राज्यसभा से लोकसभा में 80 है यूपी से, राज्यसभा में 31 जाते हैं, राज्यसभा में राजस्थान से 10 जाते हैं, लोकसभा से 25 जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 आपका कंप्लीट हुआ, याद हो गया होगा कहीं, रिपीट। अभी हाल ही में कितने लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुए? 17वें लोकसभा चुनाव। 16वें कब हुए थे? 2014 में। इसकी थीम क्या थी? नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। डिजिटल जो कार्य किया गया था किस राज्य में किया गया था? अपना डिजिटल असम राज्य में, मुकेश चंद्र साहू द्वारा, जो दिव्यांग जनों के लिए भी मुकेश चंद्र साहू। उम्मीद करता हूं आपको करंट अफेयर्स के जो ये वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके लिए नया एक और टॉपिक लेकर आऊंगा। अभी हाल ही में जो भी एग्जाम होगा आपका, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, पटवार हो, सभी जितने भी जल्दी से ये 6 महीनों में जो एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी एग्जामों के लिए आपके लिए हर समय तत्पर आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो आती रहेगी, टॉपिक वाइज आती रहेगी। आज के लिए बहुत है, धन्यवाद।